18 जनवरी को मुख्यमंत्री के गिरिडीह आगमन को लेकर बस स्टैंड रोड स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय में कार्यक्रम की तैयारी को लेकर बैठक की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय समिति के महासचिव विनोद पांडे एवं फागु बेसरा, विशिष्ट अतिथि के रूप में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गांडे विधायक सरफराज अहमद और पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी उपस्थित थे। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने किया। खतियानी जोहार यात्रा को लेकर 18 जनवरी को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम गिरिडीह जिला सुनिश्चित किया गया है। इसी को लेकर उस दिन के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक में बिंदुवार चर्चा की गई। इस दौरान कई लोगों को तैयारी से संबंधित कार्य सौंपे गए और इस बाबत बताया गया कि खतियानी जोहार यात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री गिरिडीह में संचालित योजनाओं की समीक्षा करेंगे और कई निर्देश भी देंगे। इस बाबत केंद्रीय समिति के महासचिव विनोद पांडे ने बताया कि राज्य के 24 जिलों के मुख्यमंत्री के खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 17 जनवरी को मुख्यमंत्री का आगमन कोडरमा जिले में और 18 जनवरी को गिरिडीह में होने जा रहा है। इसको लेकर पार्टी के नेता कार्यकर्ता के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया और कोई आवश्यक कार्यभार भी कार्यकर्ता को सौंपा गया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पार्टी के संकल्प मंत्र को प्राथमिकता के आधार पर धरातल पर उतारने का काम कर रही है। बैठक में अजीत कुमार पप्पू, मालाल सोरेन, शाहनवाज अंसारी, सुमन सिन्हा प्रदोष, अभय कुमार सिंह, प्रमिला मेहरा, सोनी चौरसिया आदि समेत कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। अगर संसाधन ये राज्य के 2400 जिला में खतियानी जोहार यात्रा चलाया जा रहा है और इस यात्रा के तहत 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री कोडरमा जिले में आ रहे हैं और 18 तारीख को गिरिडीह जिले में ये कार्यक्रम है और उनका रात्रि प्रवास भी 17 तारीख के रात में गिरिडीह जिले में होगा। इस यात्रा के माध्यम से लोगों का धन्यवाद भी ग्रहण करेंगे, आभार भी लेंगे और लोगों का आभार भी व्यक्त करेंगे आपके सहयोग से, आपके मेहनत से आज हम इस जगह पर हैं और आपने ये राज्य के 2400 जिला में खतियानी जोहार यात्रा चलाया जा रहा है और इस यात्रा के तहत